तो देखिए प्रशांत गंगवार नाम का एक लड़का है जिसका एक कमेंट आया था मेरे पास, बोल रहा था सर अगर आंसर शीट में रोल नंबर गलत फिल हो जाए तो उसका रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ता है, सर प्लीज वीडियो बना दे इस पर। तो प्रशांत के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है या भविष्य में हो भी सकती है तो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा इसका कि आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशन में। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर आपका रोल नंबर गलत हो जाता है आंसर शीट में लिखने पर, तो ये तो स्पष्ट है, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि कॉपी तो चेक हो जाएगी बट आपके जो मार्क्स मिले हैं उस कॉपी में वो अपडेट नहीं हो पाएंगे आपकी प्रोफाइल में। अब आपकी प्रोफाइल में कैसे अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि आपका रोल नंबर ही आपकी पहचान है, तो रोल नंबर अगर वहां पे गलत हो गया तो कॉपी तो एग्जामिनर चेक करेगा, वहां पर मार्क्स भी मिल जाएंगे बट आपके रिजल्ट में वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, आपकी प्रोफाइल में अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो वहां पर सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, वहां पर एक लिखित आपको देनी पड़ेगी एप्लीकेशन, ठीक है, अपने कॉलेज में। दूसरा, एक आप यूनिवर्सिटी के लिए एक एप्लीकेशन बनाइए और उसमें पूरा ब्यौरा दीजिए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। और अब आपको क्या करना होगा, आपको सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, सीधे आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जाकर वहां पर जो एग्जाम कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, वहां पर जो एग्जाम कंट्रोलर है उससे जाके आप लोग फटाफट से जाके आप मिल लो, ठीक है, मिल लो, रिजल्ट आने से पहले ही मिल लो, आप वहाँ जाके आप मिल लो उनसे जाके और अपनी पूरी सिचुएशन बता दो और वहाँ पे लिखित तौर पर एक एप्लीकेशन दे दो, ठीक है। और जो भी वो चीज़ें पूछता है वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल तुरंत तरीके से बता दो, अब गलती हो गई तो गलती हो गई है लेकिन फिलहाल आप पूरी तरीके से बता दो और लिखित कंप्लेंट वहाँ पर दे दो एप्लीकेशन, ठीक है, तो आपकी कार्रवाई तुरंत के तुरंत हो जाएगी और रिजल्ट अपडेट होने से पहले आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जो है आराम से अपने रिजल्ट का वेट कर पाओगे। एंड अगर फिर भी रिजल्ट ये सब करने के बाद भी रिजल्ट में अपडेट नहीं होता है तो जो एप्लीकेशन है उसको आप अपने पास रखोगे, वो जो रिसीव कराई थी वहाँ से एग्जाम कंट्रोलर के पास से। दूसरा, आपको एक RTI डालनी पड़ेगी फिर बाद में, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, RTI आपको डालनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊँगा कि RTI कैसे डालते हैं, क्या करना होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ से नहीं हो पा रहा है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैं आगे आपको बताऊँगा आगे के स्टेप, फिलहाल आप इतना कीजिए, आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर से मिलिए तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा, बट लिखित तौर पे देके आइएगा एप्लीकेशन, ठीक है। अब मौखिक रूप से कोई मान्य नहीं होती, लिखित जाके आप दीजिएगा और जब तक सोल्यूशन ना हो जाए तब तक वहीं बैठिएगा, थोड़ा इंतजार करने को बोलेगा तो इंतजार भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, एंड अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिखित तौर पर कमेंट में दे दीजिएगा तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।